महाराजगंज में पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के दौरान मशरक रेल खंड के महाराजगंज स्टेशन पर 12.5 करोड़ की लागत से रेल पॉइंट की स्वीकृति रेल मंत्रालय द्वारा प्राप्त हो गई है, जो महाराजगंज में एक स्वर्णिम अध्याय स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। उक्त बातें महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान महाराजगंज स्टेशन पर कही। कहा कि इसका सर्वे डिप्टी चीफ इंजीनियर द्वारा कर ली गई है और उन्होंने बताया कि रिंग पॉइंट निर्माण के लिए 12.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी मिल गई है। सांसद ने कहा कि महाराजगंज में रेल पॉइंट का निर्माण होने से व्यापारियों को विभिन्न प्रदेशों में माल ढुलाई से सहूलियत होगी। भाड़े कम लगने की स्थिति में रेल मार्ग में आने वाली सामग्रियों पर महंगाई की मार भी कम होगी। वहीं सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेंगे। कहा, महाराजगंज में जब शुगर मिल चल रहा था तब रोजगार था, शुगर मिल बंद होने से यहां से रोजगार विलुप्त हो गया था। इस स्टेशन पर अब रिंग पॉइंट होगा तो पुनः रोजगार स्थापित होगा। भुजा बेचने वाले से लेकर बेरोजगार मजदूरों को माल ढुलाई तक के अवसर प्राप्त होंगे। स्थानीय लोगों की माने तो रिंग पॉइंट को निर्माण होने के बाद 500 से अधिक लोग रोजगार की मुख्यधारा से जुड़ जाएंगे। मालवाहक वाहनों के आवागमन से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। विभिन्न प्रदेशों में मालगाड़ी यहां लोड ओवरलोड होगी। महाराजगंज स्टेशन पर रिंग पॉइंट का निर्माण को लेकर विभागीय तैयारी शुरू हो गई है। सांसद ने कहा कि जल्द ही विभाग टेंडर जारी करेगा, जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया होने के बाद निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। सांसद ने कहा, छपरा मशरक महाराजगंज दरोंदा रेलखंड पर यह पहला रिंग पॉइंट होगा। रिंग पॉइंट बनने से कच्चे माल के आयात में सहूलियत मिलेगी, इसके साथ खर्च भी कम होगा। अब आसानी से उर्वरक विक्रेता की दुकानों तक उर्वरक, गिट्टी, बालू, अन्य सामग्री। बहुत बड़ी उपलब्धि रेल के माध्यम से यहाँ शुरू हो रहा। रेक पॉइंट की मांग यहाँ बरसों से थी। लोगों के मन में यह विश्वास अब टूट रहा था कि रेक पॉइंट भी यहाँ बन पाएगा, क्योंकि लोग उसके लिए कहते थे और चुनाव के बाद भूल जाते थे, उस पर कार्रवाई नहीं करते थे। लेकिन आज उनके सपने साकार हो गए और रेल पॉइंट के स्वीकृति की चिट्ठी अभी इस देश के रेल मंत्री ने अपने पत्र के माध्यम से मुझे राशि भी स्वीकृत करते हुए मुझे दिया। यह तो उनका पत्र है सीधे, और आपको मैं उनके राशि का भी पत्र आपको मैं बताऊं कि यह पत्र उनके राशि का भी पत्र है जो स्वीकृति प्रशासनिक स्तर पर होता है। दूसरा, उसमें आप देखेंगे कितनी राशि उनकी 12.3 करोड़ रुपए। और आप जो बता रहे थे उसमें माल के लिए इस प्लेटफॉर्म इसको विकसित करने का प्रथम सर्कुलिंग एरिया है उसका मैंने भेजी, यह तमाम चीज़ों का उसमें प्रोविजन किया गया। पर हमें लगता है कि इसका एक बड़ा लाभ सिर्फ यह रेक पॉइंट होने से सिर्फ व्यवसायियों को नहीं होगा, व्यवसाय भी बढ़ेगा, गरीब गुरबे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यह रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन यह संपन्न हो रहा है, रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन यह रेक पॉइंट हो जाएगा। और छोटे छोटे लोग जहां एक तरफ खुमचा में लेकर के पापड़ बेचने वाले, भूंजा बेचने वाले, कटली में लेकर के चाय बेचने वाले, उनका तो रोजगार मिलेगा। दूसरे तरफ पान बेचने वाले, तीसरी तरफ अगर छोटे छोटे हमें अगर रोजगार देखें तो उसमें ट्रैक्टर वाले को, उसमें छोटे गाड़ियों वाले को, पिकअप वाले को, क्योंकि माल जब आएंगे तो उतरेंगे तो उनको काम मिलेगा। साथ ही उनको ऐसे पलदारों को, पलदार भी हमारे छोटे तबके से आते हैं, उनकी कोई जाति नहीं होता, पलदारी एक जाति ही है, उनको रोजगार मिलेगा। उस पलदारों को परमानेंट एक रोजगार मैंने यहाँ स्थापित हो जाएगा और उनको उनके परिवार का एक स्टैंडर्ड बढ़ेगा, परिवार का भी रहन सहन जब आय आने लगेगा तो बढ़ेगा। और व्यवसायी जो यहाँ हमारे व्यवसायी भाई हैं उनका भी व्यवसाय बड़ा बढ़ेगा, क्योंकि लोग जब रेक पॉइंट की वजह से आएंगे, बड़े लोग भी आएंगे, सामान्य लोग भी आएंगे, उनको जब महाराजगंज आना रहेगा तो वह दूसरे जगह खरीदारी करने के लिए नहीं जाएंगे, फिर खरीदारी यहाँ महाराजगंज में ही करेंगे, चाहे वह कपड़ा का हो, चाहे वह सोने चांदी का हो, चाहे वह बर्तन का हो, चाहे वह किराना का सामान हो, जो भी उनके शादी हो, ब्याह हो या रोजमर्रा का जो भी वस्तु है वह यहाँ से खरीदारी करेंगे। तो इसका एक लाभ बने सर्व समाज को इसका एक व्यापक लाभ मिलेगा और यह एक हमें लगता है कि स्वर्ण अक्षरों से इतिहास के पन्ने में दर्ज यह हो गया कि अब महाराजगंज भी एक सुदूर गांव का स्टेशन भी रेक पॉइंट से जुड़ गया। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी को और देश के रेल मंत्री जी को मैं हृदय से उनके रेल महकमे के अधिकारियों के साथ मैं देता हूं। महाराजगंज वासियों को यह जो सौगात उन्होंने दिया है, महाराजगंज वासी अपने उनके सांसद जनार्दन सिग्रीवाल के साथ महाराजगंज वासी भी इस सौगात को सदा सदा के लिए याद रखेंगे, इसके लिए मैं हृदय से बधाई धन्यवाद करता हूं।
आपको मैंने यह पत्र दिखाया कि उनकी पत्र स्वीकृति की चिट्ठी आ गई है, अब शिलान्यास औपचारिकता है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसका शिलान्यास से अभी मैं यहाँ DRM और GM से मैं बात करूँगा, अगर आचार संहिता के पहले हो जाए तो बेहतर है, नहीं तो काम तो लगना ही है, काम उसके बीच में लग जाएगा। मैं उनको लिए उनको मैं आग्रह कर दूंगा, दे दूंगा, भाई आप काम लगाइए, उद्घाटन ही होगा, शिलान्यास नहीं होगा तो। लेकिन अगर समय मिल गया तो हम लोग 11-12-13 के बीच में शिलान्यास का भी प्रयास करेंगे कि बड़े और दिव्य और भव्य स्थिति में शिलान्यास भी हो जाए।